यो गाइस, दिस इज़ गौरव और आप देख रहे हैं गौरव जोन। और एक्चुअली आई एम वेरी 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 सॉरी कि मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। एक्चुअली मैं दुबई में था 10 दिन से, अब दिल्ली आया हूँ। तो आते ही मैं आया हूँ, ट्रेड फेयर लगा था प्रगति मैदान में। आपको कुछ झलक दिखाता हूँ। अभी मैं एंट्रेंस पे हूँ, गेट नंबर 5 है। तो अंदर जाने वाला हूँ और आपको वीडियो दिखाऊँ कि अंदर क्या क्या होता है। एक्चुअली आपको इस फेयर के बारे में बता दूँ, इसमें होता क्या है। इसमें लगते हैं स्टॉल अलग अलग, मतलब अलग अलग जो स्टेट हैं इंडिया में उसके स्टॉल लगते हैं। जैसे हो गया कश्मीर का, हो गया दिल्ली का, हो गया मुंबई का, हो गया इनमें स्टॉल लगते हैं। और आउटसाइड इंडिया के भी स्टॉल लगते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, उसमें भी वो अपने माल माल दिखाते हैं क्या क्या आया है। और जो न्यू इन्वेंशन हुई है इंडिया में उसका भी प्रदर्शन होता है, तो आपको वो भी दिखाऊँगा। आपको सब सब चीज़ दिखाऊँगा जो मेरे को अच्छी लगी, यूनिक लगी। तो आइए वीडियो में दिखाते हैं। और तो गाइस, मैंने एंट्री कर लिया, एक स्टाफ ने मेंबर ने मेरी एंट्री करा दी थी। तो और आप अगर टिकट लेना चाहें तो ऑनलाइन मिलती है, मेट्रो से मिल जाएगी आपको और मदर डेयरी से मिल जाएगी। टिकट के रेट मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने खरीदी नहीं। और ये जो मार्केट है ये 6-7 दिन का मार्केट है, तो आप हो सके वीडियो देखते ही तो तुरंत आ जाएँ, क्योंकि 6-7 दिन का ही मार्केट है। शायद 23 या 24 को ख़त्म हो जाएगा, 27 को ख़त्म हो, तो आप जल्दी आना। में चलते हैं, इसमें होते हैं कॉस्मेटिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में एनवी का, डीओ का। इसके शोरूम में है, वो स्टॉल पे आए ये डीओ। इसे मतलब चार्ज करके इसे गर्म कर लो और फिर आपने हाथ सेको, कुछ भी सेक लो, सर्दियों में बहुत काम आती है। कितने की एक? 200-250। सही, 200 की वो 250 की। सुरेश पे 70 नंबर बिल्डिंग में आ चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सारे, वॉशिंग मशीन, टीवी का भी है। तो ये देखते हैं। कुछ नहीं है, स्लेट है, पॉइंट का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, टाइटन के उसमें आ रखे हैं स्टॉल पे, यहाँ पे 50% ऑफ है। और आपको अंदर दिखाता हूँ कैसी वॉचेस मिलेगी आपको। ये वॉचेस मिलेंगी आपको और आपको वहाँ दिखाऊँ तो वहाँ देखिए। यहाँ फ्रेंड्स, ये फास्ट ट्रैक का है, यहाँ पे अप टू 50% सेल चल रही है और आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं एक डिजिटल मोशन। आपको लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, देखो जैसे यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं चेयर और ये सब 17 नंबर बिल्डिंग में है। ये सब मिरर्स देखिए दोस्तों, क्या गजब गजब क्या है उसका जो है स्टॉल। और यहाँ
यहाँ पे दोस्तों आपको लगभग सारे स्टॉल मिल जाएंगे, मतलब इंडिया में जितनी भी कंपनीज चल रही है। ये देखिए वेबकैम दिखेंगे आपको सारे, ये देखने वाली चीज़ शगुन ई रिक्शा, ये देखिए देख रहे हैं रिक्शा सारे, ये इलेक्ट्रिक होते हैं दोस्तों, ये बिजली से चलते हैं और इनमें बैटरी होती है वो चार्ज करनी पड़ती है फिर ये चलते हैं। ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान, आपको इसकी सेल के लिए कितने का है? 90,000 का, एक पीस का, एक पीस का ही हाइड्रोलिक का, इसलिए अपने वाले हाइड्रोलिक का बिजली से बैटरी चार्ज करके चलते हैं। और एक चार्ज करने में कितना चल जाएंगे? कम से कम 80 से 90। और ये पैंट देखिए ज़ेब्रोनिक्स के, यहाँ पे स्पीकर आते हैं ज़ेब्रोनिक्स के, दिखाना चाहूँगे ये देखिए, ये देख रहे हैं। और स्पीकर आपको देखना है तो स्पीकर और दिखाता हूँ आपको, फेयर है उसके बीचों बीच ये कल्चरल फेस्टिवल का इन्होंने एक स्टेडियम है, यहाँ पे रात को ना फंक्शंस होते हैं, मतलब कोई भी सिंगिंग के डांसिंग के, तो यहाँ से एंट्री होती है उसकी। दिन में तो कह रहे अभी फिलहाल कोई फंक्शन नहीं हो रहा, रात को होते हैं फंक्शन। पिछली बार शायद मीका आया था यहाँ पे और उससे पहले मिलिंद गावा भी आ रखे हैं यहाँ पे, तो ये स्टेडियम है। इवेंट्स की डिटेल है कल्चरल फेस्ट की, अगर आपको देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आ जाना। ये देखिए कोरियन ड्रेसेस हैं फॉर सेल, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये कोई कोरियन दोस्तों वो है कोई स्टॉल है यहाँ पर, पता नहीं क्या बच्चे खेल रहे हैं। एक्चुअली खाने का जगह हर कॉर्नर पर मिल जाएगा, बट आपको एक पे दिखाता हूँ, आपको रेट भी दिखाता हूँ। पिंड बलूची है, खाने का देखना तो देखिए रेट देख ली, और उस साइड भी है, ये दूसरी साइड जो है दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको। मेरे को उम्मीद है आपको रेट समझ आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ही महंगा दोस्तों, तो मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया है कि आप पैक करवा के ला लिया है यहाँ पर और यहाँ पर ही खा लें। तो दोस्तों अभी हम हॉल नंबर एक के सामने इसमें जाने वाले हैं, तो इसमें मिल जाएगा टेक्सटाइल का है, कपड़ों का है, क्रॉकरीज है, तो आपको अंदर भी दिखाता हूँ क्या होता है, ये चलते हैं। ये फ्रेंड्स लेदर जैकेट, ये प्योर लेदर नहीं है लेकिन इसमें लिखा पड़ा है कि अप टू 70% ऑफ, जेन्युइन लेदर लिखा पड़ा है। आपको दिखाऊं तो कुछ लेदर ऐसे होता है, इसमें जैकेट्स कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको। ये देखिए ठीक है, ये देखिए तो सिंपल लुक वाली है, मतलब वो नहीं है बाइकर्स और रेसिंग वाली ये सब। और आगे देखिए ये आपको लेडीज़ में मिल जाएंगी और अंदर भी जैकेट्स हैं। यहाँ पे बैग वैग भी मिल जाएंगे, शूज़ का है रेक्सोना शूज़, आपको यहाँ शूज़ भी मिल जाएंगे। देखिए स्लीपर्स भी हैं, लेदर की जैकेट की 66 ही है, और यहाँ पे बेल्ट भी मिल जाएंगी आपको। और आगे दिखाऊँ तो ये शूज़ का है दोस्तों होलसेल, आपको वैरायटी देखने को देखिए दोनों तरफ दिखा दो। बूट टूट भी है यहाँ पे दोस्तों, अलग से प्योर लेदर का बता रहे हैं, ये कितने का है फिक्स? क्रॉक्स का है आउटलेट जो है, और इसमें सारे क्रॉक्स के सामान आपको डिस्काउंट में मिलेंगे,
यहाँ पे एक्चुअली सारे शूज वूज का आपको मिल जाएगा, आउटलेट एडिडास का ही मिलेगा, वो भी आगे दिखाऊंगा आप क्रॉक्स का देखना चाहते हैं देखिए क्रॉक्स का जोन का देखा और उस साइड आइए उस साइड भी दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल है दोस्तों, ये जो क्रॉक्स है ये ओरिजिनल है दोस्तों, ये जो बढ़िया है ये देखिए क्रॉक्स का, और जो स्लीपर ये फ्रेंड शू रैक, ये ऐसे बंद हो जाता है ऐसे खुल जाता है, देखिए इसमें शू रख सकते हैं और ये बंद हो जाता है फोल्ड हो जाता है। पोर्टेबल गीजर ये क्या चीज़ है, मिक्स करने का लस्सी बनाने का है, लस्सी बनाने का है, देखा हुआ 100 रुपए का 100 रुपीज़ का है 100 रुपए का। अरे भाई दोबारा मारे पाइन एप्पल है, वाटर मिलन है, स्वीट लेमन है, जो मन कैरेट बीटरूट सब करने का है, 500 रुपए का 500। रेड राइडिंग इसमें आप होते हैं मतलब लेडीज स्टफ है बेसिकली तो, और ये क्रॉकरी का है, क्रॉकरी आपको ऐसे मिलेगी वहाँ से एंट्रेंस आने को और यहाँ ऐसे आप घूम सकते हैं, क्रॉकरी मिल जाएगी आपको डिस्काउंट में यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब उस साइड चल रहे हैं और उस साइड चलते हैं, यहाँ पे वुडलैंड का ये है और आगे बाटा का है, दिखाता हूँ आपको देखो बाटा का है, तो इसमें सब मैं जाने वाला हूँ आप देखो वीडियो। ये वुडलैंड में फ्लैट 30% ऑफ है, आपको शूज़ दिखाऊं तो देखो, बूट देखना चाहते हो तो भाई 30% सब पे फ्लैट है क्या, 30% फ्लैट, 30% है इसका क्या है प्राइस, ये देखिए फ्रेंड्स ये ओरिजिनल है दोस्तों, बिल सब दोगे भाई, जब आपको चीज़ें चीज भी दे रहे हैं भाई, देख रहे हो रेट बताऊं तो भाई ये कितना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, और आपको दिखाऊं तो ये शूज़ कुछ ऐसे मिल जाएंगे, ये देख रहे हैं सब पे 30% डिस्काउंट है, और यहाँ पे अंदर आपको कपड़े मिल जाएंगे वुडलैंड के अगर आप एंट्री करते हो तो। यहाँ पे सारी जर्सी और कैप फुटबॉल बास्केटबॉल कैप वगैरह, ये देख रहे हैं इसको लेना है, गरम करना है गैस मोमबत्ती लाइटर से, गरम करने के बाद जो भी आइटम चिपकाना हो जैसे टाइल फर्श मार्बल डाइनिंग टेबल, घर में जूते एप्पल के शोल वगैरह निकल जाते हैं, चश्मे की डंडिया टूट जाती है, कप की डंडिया निकल जाती है, घर में लोहा पीतल तांबा एल्युमिनियम लीकेज, घर में ज्वेलरी का आइटम, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एंगल लगाने में फोटो फ्रेम लगाना, दीवार पे कील नहीं मार सकते डील नहीं कर सकते एंगल फोटो फ्रेम घुटिया रखे, बैक साइड पे लिक्विड निकालो, जहाँ पर भी चिपकाना हो जगह तो साफ कर कर इसको प्रेस कर देंगे इस तरह, 1 से 2 मिनट बाद 50 से 60 kg तक का वेट डाल दो आसानी से, एक तरह घर में आपके लोहे से लोहा लकड़ी से लकड़ी पत्थर से पत्थर कांच से कांच, अभी 2 मिनट भी नहीं लिक्विड गर्म है हाथों पे लग जाता है, वर्क नहीं करता है हाथ और रबर से काम नहीं करता है, अभी 2 मिनट भी नहीं खींच के देख लो आप, कुछ नहीं हो रहा एकदम सही है, सिंगल स्टिक लोगे आप सिंगल लोगे 50 रुपये का आएगा पूरा पैकेट, 100 रुपये का है, घर में 10 साल 20 साल 50 साल रखो वो एक्सपायरी डेट नहीं, गर्म करेंगे और चिपकाना है कागज से लेकर लोहे तक सब आइटम पे रिपेयर होती है, कोई भी आइटम चिपक जाए प्लास्टिक लोहा है, चलो ठीक है, और ये क्या चीज़ है टॉवल सफाई के लिए, बिजली में लग जाता है।
अभी हम बीच रोड पे हैं, ये आपको मिल जाएगा फूड का स्टॉल, यहाँ पे एक और स्टॉल है, मतलब हर कोने पे आपको फूड के स्टॉल मिल जाएंगे। और ये अपना दिल्ली है, दिल्ली में भी जाऊँगा, अभी दिल्ली में जाने वाला हूँ और आपको दिखाऊँगा। वो उसके आगे उड़ीसा है, उड़ीसा, और ये है ये केरला, और ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट का है उसके यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी आपको दिखाता हूँ एक एक करके, आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये दिल्ली की एंट्रेंस है, ऊपर आपको दिखाता हूँ डिजिटल लिखा पड़ा है, और यहाँ पे केजरीवाल की फ़ोटो है SPM की हमारे। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसे बना है दिल्ली का। ये क्लासरूम बना रखा है दोस्तों, ठीक है, और मतलब डिजिटल लुक दे रखा है यहाँ पे। और आपको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे पड़े हैं, और ये प्रशासन का, और ये मशीन है लेथ मशीन, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ NCT का, ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट का, ये दिखा रखा है मैप, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, और आपको आगे दिखाता हूँ। और ये दोस्तों स्टार्टअप ऑफ दिल्ली, दिल्ली के स्टार्टअप दिखाता हूँ दोस्तों। आपको बता दूँ मैं भी एक स्टार्टअप बनाने वाला हूँ, मतलब अभी सोच ही रहा हूँ, मतलब 20-30% पूरा हुआ है, जब हो जाएगा जब आपको दिखाऊंगा। एकदम यूनिक ही आइडिया है, जैसे आपको पता है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो उसके रिलेटेड मैं ऑटोमोबाइल से कुछ कर रहा हूँ अपना स्टार्टअप, तो आपको बताऊंगा। तो कुछ यही है, मतलब चित्रकला बना रखी है, बाकी ये डिजिटल तिहार मैं आपको दिखाऊँ तो, अरे ये तो लॉल हो गया, खाने पीने का सामान है तो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये तो दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी पे कलाकारी हुई है, देखिए कितना बढ़िया वो आर्ट बनाया है यहाँ पे, डिजिटल इंडिया को दिखाते हुए, वो एक मोबाइल है डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर, देखिए। और आपको आगे कलाकारी दिखाते हुए जो आदमी बना रहा है, ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों देखिए लाइव बनाते हुए, आपको दिखाता हूँ और अंदर ले आता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बना रहे हैं, किला देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन बनाया इन्होंने, कपड़े से इन्हें दबा रहे हैं पहले मिट्टी को, तो डिजिटल लुक दिया हुआ है। देखिए एक लेडी है वो लैपटॉप पे लगी पड़ी है, और यहाँ पे भाईजान बना रहे हैं। तो भाई अपने हरियाणा के भाइयों, अब चलते हैं हरियाणा में, आ जाइए। तो हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं, यहाँ तो कुछ खास लग नहीं रहा, खाना पीना ही है। और देखिए आपको दिखा दूँ, खाने पीने के स्टॉल हैं और दवाइयों के स्टॉल हैं, और ट्रैक्टर का भाइयों, ये देखो ट्रैक्टर का टायर है। और आपको दिखाऊँ तो ये ज्वेलरी वेलरी है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं उनमें पिक्स डालता रहता हूँ। ओए होए गजब चीज, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हार्ले, अपनी हार्ले, और ये देखिए अपने तो होंडा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पे कौन सी बाइक है, तो दोस्तों मेरे पे है प्लेटिना, प्लेटिना चलाता हूँ मैं स्कूल टाइम से, ये देखिए गजब की है ना भाई। कमेंट सेक्शन में मेरे को पता है कौन कौन ऐसी बाइक लेना चाहेगा।
हाँ तो दोस्तों, अभी हरियाणा के बाद मैं घूमने वहाँ बहुत थक चुका हूँ। अभी यहाँ थोड़ा पार्क में बैठा पड़ा हूँ, देखो नज़ारा ऐसा है। और चलते चलते तो मेरे हाथ पैर दुख गए और कमर दर्द कर रही है, मसाज करानी पड़ेगी घर जाके। और फिलहाल तो अभी मेरा सहारा यही है, ये देखिए ये दर्द का सहारा है मेरे। और अभी पी पा के अभी आगे और चलते हैं। अभी एक ट्रैक्टर का शोरूम था दोस्तों, उसमें पुर्जे दिखा रखे थे ट्रैक्टर के अच्छे अच्छे, और टेक्निकल एक था उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ वो दिखाता आपको तो और ज़्यादा अच्छा लगता आपको, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल मिल नहीं रहा, बट अभी और ढूंढूंगा, अगर नहीं मिलता तो ठीक है घर जाऊँगा भैया, रेस्ट करूँगा, मेरे बस की नहीं है भैया। तुम तो सब्सक्राइब करने से रहे, मैं वीडियो बना बना के पागल हो रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, तो सब्सक्राइब कर दो यार वहाँ बैठे हो। तो गाइज मैंने ट्रैक्टर का पूछा था, यहाँ वो नहीं है और कोई टेक्निकल नहीं है, बेसिकली सारा मैक्सिमम मार्केट में घूम चुका हूँ और बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, और इससे ज़्यादा मैं नहीं घूम सकता। जितना आपको दिखा दिया ठीक है, अब हमसे ना होगा। अब इतनी वीडियो काफ़ी थी आज के लिए, ये भी बहुत लंबी बन चुकी है, इसलिए मैं और लंबी खींच भी नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि फिर लोग देखते भी नहीं, आलसी खा जाते हैं और जानते ही हो आप। तो दोस्तों बेसिकली सारे यूट्यूबर्स एम करते हैं कुछ लाइक्स का, हम भी यार करने में क्या हो रहा है, ठीक है, तो मैं भी एम कर रहा हूँ 3000 लाइक्स। 3000 लाइक्स आने चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और भी वीडियो जो बनानी है ना, समझ रहे हो ना कि यार तुम भी सपोर्ट करो मैं भी सपोर्ट करूँ, तभी तो मज़ा आता है कि नहीं। तो 3000 लाइक्स, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अभी आया नहीं हूँ मैं, टाइम ही नहीं बनता यार, इतना टाइम मिल जाए वीडियो बनाने के लिए यही काफ़ी होता है। तो फॉलो करें मेरे को, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं आप इस मार्केट में आओगे कि नहीं आओगे, कौन कौन आना चाहेगा, क्या क्या लेगा, क्या क्या पसंद आया आपको, सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगले मार्केट का ही बताएं कौन से मार्केट में घूमना चाहते हैं। तो टिल देन बाय।